Hi guys, welcome back to your own Indian food channel, Easy Cooking with PG. आज हम बनाने जा रहे हैं वेज राइस, बहुत ही इजी वे में और जल्दी बनाने का तरीका भी आपको पता चले। तो चलिए बनाते हैं वेज राइस। हमने एक ग्लास चावल लिए हैं जिनको वॉश करके हमने बॉइलिंग के लिए चढ़ा दिया है। पानी हमें इनमें ज़्यादा रखना है, जैसे एक ग्लास में हमें तिगुना पानी चढ़ाना है। इसमें हमने आधी कटोरी मटर डाल दिए हैं, कुछ एक सोयाबीन की बड़ियाँ डाल देंगे। बड़ियाँ हमारी छोटी होनी चाहिए। स्वादानुसार नमक डालेंगे। चावलों में एक नींबू निचोड़ेंगे, एक चम्मच घी का डालेंगे। इससे हमारे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। अब हम इन्हें बॉयल होने देंगे, इन्हें हमें ढकना नहीं है। माफ़ कीजिएगा, बीच में मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अपनी सब्जियाँ फ्राई कर लेते हैं। सब्जी फ्राई करने के लिए एक बड़े पैन में 2 बड़े चम्मच तेल के हम डालेंगे। इसमें 2 चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद 1 तेज पत्ता तोड़ के डाल लेंगे। 3 स्प्रिंग ओनियन काट के डाले हैं। इसके बाद हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कसा हुआ अदरक और कसा हुआ लहसुन डाल देना है। 1 कटोरी कटी हुई फूलगोभी डालेंगे, 1 कटोरी कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे, 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। इसमें हम आधी कटोरी बीन्स डाल देंगे। अब इन्हें हमें मिलाते हुए पकने तक भूनना है। दूसरी तरफ हमारे चावल बन चुके हैं। हमें इन्हें इस तरह की छलनी में निकाल लेना है, जिससे हमारा चावलों का एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। सब्जियां हमारी आधी पक चुकी हैं। अब इनमें हम अपने मसाले डाल लेते हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे, स्वादानुसार लाल मिर्च डालेंगे। ये हमें याद रखना, हमने कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है। 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाले का डालेंगे, थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा टेस्ट के लिए यदि आपके पास कोई राइस मसाला रखा है या कोई सब्ज़ी का मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। अब सब्ज़ी को हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और सिम गैस पे पका लेंगे। सब्जियां पकने के बाद इसमें हम अपना कटा हुआ पनीर डाल देंगे, कटे हुए टमाटर काटेंगे, लेकिन टमाटर हमें गूदे के साथ नहीं काटने हैं। इनमें हम अपने उबले हुए राइस डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें बहुत अच्छे से करना है, जिससे हमारी सारी सब्जियां चावलों में मिक्स हो जाएं। राइस को सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में पहले हम अपने थोड़े से राइस डालेंगे। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ पनीर फैला देंगे। इसके बाद हम दोबारा से अपनी राइस की लेयर बिछाएंगे और फिर से कद्दूकस किया हुआ पनीर फैला देंगे। लीजिए, हमारे राइस सर्व करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हम अपने राइस को सर्व कर देंगे। तो आपको भी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।